सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 11th का अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, विमा विश्लेषण यानी कि डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस को हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब हम लोगों को इस प्रश्नावली के आंकिक प्रश्नों को बना लेना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था विद्यार्थियों कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बीमाओं के अनुप्रयोग में, बीमाओं के तीन अनुप्रयोग होते हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना और तीसरा था सूत्र की व्युत्पत्ति करना। तो आइए हम लोग इस प्रश्नावली के आंकिक प्रश्नों को बनाते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से, जादुई तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये बहुत इजी है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा और इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा फ्यूचर में चल करके। तो आप इसको समझें। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु का वेग 72 किलोमीटर पर हावर्स है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, और बदलना किससे है, विमीय विधि द्वारा। तो किसी वस्तु का वेग दिया है, वेग किसमें दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंकिक मान और मात्रक यानी कि भी का मान वेग को भी से दर्शाते हैं और भी बराबर दिया है 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो अब देखिए ये 72 क्या है, इसको हम अगर N1 मान लें, तो N1 मान लिए तो N1 और ये क्या होगा U1, क्योंकि आप जानते हो कि क्वांटिटीज Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, ये हम लोग सूत्र बनाए थे कहीं पर और उसमें विमाओं का उपयोग करके सीखे थे। तो N1 बराबर इतना आंकिक मान और मात्रक आपका ये है, तो इसको लिखेंगे U1 बराबर किलोमीटर पर हावर्स। अब देखिए किलोमीटर पर हावर्स होता है, अगर इसकी बीमा लिखेंगे विद्यार्थियों, बीमा यही लिख दीजिए, इजी हो जाएगा। बीमा लिखेंगे तो ये क्या है, चाल है ना, तो चाल की बीमा क्या होती है, तो चाल की बीमा होती है LT-1, इतना होता है चाल का बीमा। तो चाल की बीमा LT-1 होता है, तो अगर यह U1 माने हैं तो इसको L1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए T1। लेकिन आप कहोगे कि हम लोग सूत्र पढ़े थे कि M1/M2 का पावर A और L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C हम लोग पढ़े थे कहीं पर। आप ऐसा सोचेंगे या ऐसे Q बराबर नहीं बल्कि ऐसे था, ये N2 बराबर यहाँ पर N1 का गुणा था, यानी कि ऐसे हम लोग सूत्र बनाए थे कहीं पर। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देखिएगा, ये सूत्र हम बताए थे और इस पर क्वेश्चन भी बताए थे। तो N2 बराबर N1 और उसके बाद M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C, इस रेंज में हम लोगों ने बनाया था। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें M नहीं है, तो चलिए बेचारे M को भी देखिए, यह L1 और T1 L और T के रूप में लिखे हैं, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि M के भी रूप में लिख लें। तो बेचारा M जो है, मास जो है, बुरा न माने, इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा उसको भी खुश रख दें, तो M लिख दें या M1 भी लिख दें और इसके ऊपर 0 कर दें। और किसी भी चीज का, किसी क्वांटिटीज का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो वही मान आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम लोगों ने इतना लिख लिया। अब देखिए N2 पूछ रहा है कि क्या, क्योंकि कहा है हो तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कह रहा है कितने मीटर प्रति सेकंड होंगे, माने N2 बराबर क्या और U2 बराबर कह रहा है कि मीटर पर सेकंड, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा M2, L2 और T2। तो L1 देखिए, इसका भी बीमा वही होगा जो चाल का बीमा होता है, यहां पर -1 और ये तो 1 ही है, और इसका क्या लिखेंगे 0, क्योंकि चाल का बीमा क्या होता है LT-1 होता है हमेशा। तो चाहे पहली पद्धति में लिखें चाहे दूसरी में लिखें वही होगा। हाँ, पहली में लिखेंगे तो L1 कर लेंगे और दूसरी में लिखेंगे तो 2 लगा लेंगे, तो इतना हो गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, तो N2 बराबर N1 का मान
निकाल, एनवन का मान दिया हुआ है कितना 72, तो यहां लिख देना है 72। अब देखिए एमवन अपान एम टू, तो एमवन अपान एम टू और इसके पावर को हम कितना लिख दें 0, क्योंकि यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो एक जगह पर क्या लिख देंगे 0। और देखिए एलवन अपान एल टू, तो एलवन अपान एल टू के पावर में कितना है बी, और यहां पर देखिए एल टू पर कितना है एक है, और एलवन पर कुछ भी नहीं है तो क्या है एक है, तो एक। और इसी तरीके से टी वन अपान टी टू और माइनस इसका कितना है 1, इतना हो गया। अब देखिए ये तो एम वन अपान एम टू एन की इसका पावर 0 है तो ये एक हो जाएगा, तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, ये एक हो गया। पहले 72 लिख लीजिए, एन टू का मान 72, एन टू बराबर 72, और ये कितना हो जाएगा एक। और एलवन अपान एल टू, देखिए इसी को आपको हल करना है, तो एलवन किसमें है, एलवन किसमें है, ये एलवन माने थे ना, तो एलवन किसमें है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 माने किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर में ना एक किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर। और L2 का मान दूसरा किसमें है मीटर में है, M2 में इसका L2 मीटर में है, तो नीचे हो जाएगा मीटर और इसका पावर कितना एक। और नीचे ऊपर देखिए यहाँ पर T1 अपन T2, तो T1 पहला किसमें है, देखिए किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हावर्स घंटा में है ना, तो घंटा में है तो इसको कितना लिख देंगे, घंटे को किसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, सेकंड में चेंज करना है तो घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 और बटे में किलोमीटर पर सेकंड, इसको हावर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 60 × 60 सेकंड और बटे में टी टू का मान किसमें है सेकंड में है और इसका पावर कितना है -1। ध्यान दीजिए मीटर से मीटर कैंसिल होगा, इसका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कितना मिलेगा यहां पर 72, चलिए इधर हम लिख दे रहे हैं, तो n2 बराबर यहां पर है 72 72 और देखिए यहां पर कितना है 1000 और उसके बाद से देखिए 60 × 60 और इसका पावर कितना है -1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं -1 को अगर हम चाहें कि प्लस में लिख दें तो अब 60 × 60 को नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी कि 60 × 60 लिखेंगे, यानी कि ये -1 है तो नीचे आ जाएगा वो, तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 से कटा देंगे तो इसको कटा सकते हैं 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12 यानी कि 12 बार में कट जाएगा, फिर इस 6 से कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर बच गया 2 10 और ये हो गया 2 यानी कि 10 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं हम लोग कि 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि एन टू का मान कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो आप इसको नोट करेंगे 20 मीटर पर सेकंड को। मान हम लोगों ने तो ज्ञात कर लिया और यही आंसर हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी वस्तु का वेग अगर 72 किलोमीटर पर हावर्स है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप जानते हो कि किलोमीटर को, चलिए मैं चेक कर देता हूं, किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर्स में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ये चीज तो आप जानते होंगे। तो चलिए हम सिंपली चेक कर लें, चेक कर लेते हैं 72 किलोमीटर पर हावर्स से इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 72 किलोमीटर पर हावर्स के जगह पर हम कितना लिख दें 5/18 और कितना लिख दें मीटर पर सेकंड, तो ये 18 से 4 बार में कट जाएगा, 18 × 4 = 72 और 4 × 5 में गुणा कर देंगे तो 4 × 5 = 20 देखिए आ गया। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग को बीमीय विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो हमने आपको यह तरीका बताया, आप इसको नोट करिए और उसके बाद से आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस पद्धति में बीमीय विधि की सहायता से बदलो। तो देखिए आपको क्या दिया है,
100 वाट। वाट दिया है मतलब आपको दे दिया है कि P बराबर 100 वाट। देखिए P बराबर 100 वाट, P मतलब पावर होता है, सामर्थ्य होता है। आप पहले अलग से समझें, P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T, और W का मात्रक वर्क होता है, W जो है वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और नीचे क्या हो जाएगा टाइम है तो इसका हो जाएगा सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 वाट को कि 100 जूल और प्रति सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि N1 बराबर 100, N1 बराबर आराम से 100 लिख सकते हैं, और U1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जब लिखेंगे तो जूल का जो बीमा होता है, देखिए जूल प्रति सेकंड या वाट की बीमा पहले समझ लीजिए, तो जूल प्रति सेकंड या वाट की बीमा हम लोग निकालेंगे तो जूल की बीमा होती है ML2T-2 और बटे में सेकंड का हो जाएगा टी। तो ध्यान दीजिए यही टी जब ऊपर चला जाएगा तो ML2T-3 इतना हो जाएगा, किसका वो बीमा किसकी होगी, वाट की बीमा होगी चाहे जूल प्रति सेकंड की बीमा होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एम, और चूंकि पहला माने है तो M1 L1 square और T-3 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से कह रहा है कि N2 का मान बताइए कितना होगा, और U2 का मान किसमें कहा है, CGS में कहा है। ध्यान दीजिए किसमें कहा है, CGS पद्धति में बदलो, तो CGS पद्धति में आप इसी का मान क्या लिखेंगे बताइए। जब MKS में जूल प्रति सेकंड है तो CGS में जूल का मात्रक क्या होता है ऑर्ग, जूल का मात्रक ऑर्ग, और नीचे क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कि ऑर्ग प्रति सेकंड। यानी इसी क्वेश्चन को ऐसे कि 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को ऑर्ग प्रति सेकंड में या CGS पद्धति में बदलो बीमी विधि की सहायता से, ऐसे क्वेश्चन कहा है। तो ऑर्ग प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए ऑर्ग प्रति सेकंड जो है, जो बीमा आपके वाट की होगी, जो बीमा आपके जूल प्रति सेकंड की होगी, वही बीमा ऑर्ग प्रति सेकंड की होगी। तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसकी बीमा यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऑर्ग और प्रति सेकंड, यानी कि इसकी बीमा हो जाएगी ML square T-3, और देखिए ये दूसरा मान है ना तो M2 L2 T2, बस हो गया। अब वही सूत्र लगा देंगे N2 बराबर N1 के जगह पर कितना है 100 लिख दिए, और जो सूत्र लिखे थे M1 / M2, तो M1 का मान यहां पर कैपिटल में लिखेंगे M1 और बटे में M2, और देखिए इसका पावर कुछ भी नहीं है, इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो एक हो गया पावर। और देखिए L1 / L2, तो L1 / L2, और इसका पावर कितना है 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 हो गया। और उसके बाद से T1 / T2, इसका पावर -3, इसका भी -3 हो गया। हल करेंगे तो 100, और देखिए M1 तो जो आपका पहला है यह यूनिट जूल वाला, तो इसमें इसमें किसमें होगा किलोग्राम में होगा, क्योंकि जूल को जूल कितने के बराबर होता है, तो जूल बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए द्रव्यमान किसमें है किलोग्राम में, दूरी किसमें है मीटर में, और समय सेकंड में। ऑर्ग में देखेंगे कि किलोग्राम किसमें हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा, और मीटर किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में, और समय सेकंड में रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये ऊपर किलोग्राम होगा ना, ये ऊपर किलोग्राम होगा, नीचे क्या होगा ग्राम होगा एक, ये कितना होगा ऊपर, ऊपर आपका हो जाएगा मीटर और नीचे होगा कितना सेंटीमीटर, ये 3 2, और यहां पर हो जाएगा सेकंड, और नीचे भी कितना हो जाएगा सेकंड, और इसका -3। तो आप देखिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में, और उसके बाद हल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो N2 बराबर 100, और देखिए किलोग्राम को अगर चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं इसको कितना, तो किलोग्राम को 1000 लिख सकते हैं ऐसे, 1000 ग्राम और बटे में ग्राम, और उसके बाद से इस मीटर को कितना लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और बटे में सेंटीमीटर तो है ही है, इसका घात 2 और
ये सेकेंड वाला रहने दीजिए क्योंकि दोनों में सेकेंड डे है, तो इसका थ्री। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन टू बराबर 100 और ये देखिए कितना हो जाएगा 1000 और बाकी कट गया है। और 100 का घात 2 है, तो 100 का घात 2 का मतलब कि 100 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। चलिए लिख दिए 2 बार, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 1 और 1 का माइनस 3 बार बार, चाहे 100 बार कितने बार भी करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1। हल कर देंगे तो यही हो जाएगा 2 और 3 5, 2 7 और 2 9, यानी कि n2 बराबर हो जाएगा 10 के घात 9। और यह किसमें निकला है तो अर्ग प्रति सेकंड में, यानी 100 वाट जो बल्ब की सामर्थ्य है तो उसको सेजियस में जब बदलेंगे तो उसका मान हो जाएगा 10 के घात 9 अर्ग प्रति सेकंड। तो आप इसको नोट करें, वही आंसर हो जाएगा, तो आप इसे नोट करिए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग समीकरण v बराबर a प्लस bt प्लस c अपान d प्लस t में t समय है, तो ABCD की बीमा ज्ञात करिए। विद्यार्थी इसको जो लोग नहीं पढ़े होंगे देखेंगे तो पहले ही डर जाएंगे कि क्या दे दिया है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए इसको मैं हल करने का तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप कोई भी क्वेश्चन बीमा से रिलेटेड नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप बनाएंगे इसको, तो भी बराबर जो सूत्र है ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस स्मॉल टी। अब देखिए आप जानते हो कि समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, तो जब समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जाता है तो अब हम क्या करेंगे कि यह भी वेग है, ए की बीमा पूछ रहा है, बी की भी पूछा है, सी की भी पूछा है, डी का और टी का भी पूछा है। तो ध्यान ये दीजिए कि दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने में दोनों पक्षों की बीमाएं अगर समान आती है तो कहते हैं कि समीकरण सत्य है। तो ये काम हम करेंगे ये कि जो भी की बीमा होगी वही ए की बीमा होगी, क्योंकि जो ए की बीमा होगी वही बी टी की बीमा होगी, और जो बी टी की बीमा होगी वही सी अपान डी प्लस टी की इस पूरे की बीमा होगी, क्योंकि समान राशियों को ही जोड़ा घटाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो भी की बीमा बराबर ए की बीमा। तो विद्यार्थियों ये बताइए कि भी क्या है, वेग है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए की बीमा बराबर भी की बीमा को क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन, क्योंकि यह वेग है और वेग की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो अब हम लोगों ने वेग की बीमा निकाल दिया, एक आंसर बन गया। दूसरा निकालेंगे कि बी टी की बीमा क्या होगी, तो ध्यान दीजिए जो ए की बीमा होगी वही आपकी किसकी बीमा होगी, बी टी की बीमा होगी। तो लिखेंगे कि बी टी की बीमा बराबर ए की बीमा, तो बी टी में बी की बीमा निकालनी है, टी समय है, तो बी की बीमा बराबर ए बाई टी की बीमा, इतना तो लिख सकते हैं। और ए की बीमा हम लोग निकाले हैं, देखिए कितना आया है एल टी माइनस वन, और बटे में टी की बीमा कितनी होगी टी, तो यही टी जब ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो बी की बीमा हम लोगों ने क्या निकाल लिया, देखिए कितना सरल है, बी की बीमा हम लोगों ने क्या निकाला एल टी माइनस टू। अब आइए पुनः आगे आते हैं, तो अब देखेंगे सी की बीमा निकालनी है, सी की बीमा क्या होगी। अब हम लोग को निकालना है सी की बीमा, लेकिन थोड़ा सा यहां सोचिएगा, सी की बीमा निकालनी है तो यहां पर डिवाइड किया गया है ना, सी में डिवाइड किया गया है डी प्लस टी से, तो ध्यान दीजिए समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, तो जो डी की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, टी की बीमा। तो डी प्लस टी में, डी प्लस टी में, डी प्लस टी में देखेंगे कि डी की बीमा बराबर स्मॉल टी की बीमा, डी की बीमा बराबर स्मॉल टी की बीमा, तो डी की बीमा कितनी होगी, तो डी की बीमा बराबर टी की बीमा, टी क्या है समय है, तो समय की बीमा क्या होती है कैपिटल टी, हो गया डी की बीमा निकल गई। अब क्या निकालना है, सी का निकालना है बीमा, ध्यान दीजिए सी की बीमा जब आपको निकालनी है कि सी की बीमा क्या होगी, तो C की बीमा हमको निकालनी है, तो हम देख रहे हैं कि B
और टी, बी और टी में सी को जोड़ा गया है, बी टी प्लस सी बटा में इतना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए की बीमा बराबर सी बाई डी प्लस टी की बीमा, चाहे बी टी की बीमा बराबर सी बाई डी प्लस टी की बीमा, या ऐसे कर सकते हैं कि भी की बीमा बराबर सी बाई डी प्लस टी की बीमा लिख सकते हैं। तो चलिए तो आप बी टी को बराबर करके लिख लीजिए, यानी कि बी टी की बीमा बराबर इसकी बीमा, क्योंकि इसमें भी इसको जोड़ा गया है ना, अच्छा ए में भी इसको जोड़ा गया है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, अंतर नहीं आएगा मान में। तो चलिए हम लोग लिख करके देखते हैं। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूं के बी टी, बी टी की बीमा हम लोग निकालेंगे, हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखेंगे, हम लिख सकते हैं कि ए की बीमा, ए की बीमा बराबर सी बाई डी प्लस टी की बीमा, चाहे लिख सकते हैं कि बी टी की बीमा बराबर इसकी बीमा, या भी की बीमा बराबर इतने की बीमा। तो चलिए लिख रहा हूं मैं कि सी बाई डी प्लस टी की बीमा बराबर भी की बीमा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने भी की बीमा लिखा है, आप ए का भी लिख सकते हैं, बी टी का भी लिख सकते हैं, मान वही आएगा, अंतर कुछ नहीं। अब देखिए, सी बाई डी प्लस टी की बीमा लिखनी है, तो अब हम लोग निकालेंगे, सी का तो निकालना है, डी का तो बीमा जानते हैं, तो सी की बीमा बराबर भी गुणे और डी प्लस टी का यहां पर गुणा हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे डी प्लस टी की बीमा। तो देखिए भी की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और इनटू डी प्लस टी। तो डी प्लस टी में डी की बीमा क्या होगी, इस डी की बीमा, डी समय है तो समय की बीमा टी होगी, और स्मॉल टी यानी कि अभी समय है। तो देखिए, अगर डी प्लस टी में इस डी की बीमा होती है आपकी कैपिटल टी, और इस टी की बीमा होगी कैपिटल टी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि टी प्लस टी माने टू टी, तो आपको ये टू टी और थ्री टी फोर टी से मतलब नहीं है, यानी कि समान राशियों को जोड़ा गया है ना, तो जो इसकी बीमा होगी वही बीमा इसकी होगी, तो इसी की बीमा लेंगे, किसी एक की बीमा लेंगे, क्योंकि वही सेम चीज है, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर टी। तो अब ये हो जाएगा एल टी और एल टी का पावर माइनस वन और इंटू टी कर देंगे, तो देखिए इस टी माइनस वन से यह टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन है प्लस में, तो ये कैंसिल, यानी कि आपका जो सी की बीमा होगी वह क्या होगी, केवल कैपिटल टी होगी। आंसर यही हुआ, ए की बीमा, बी की बीमा, यहां पर निकाले हम लोग डी की बीमा, और यहां पर क्या निकाल दिए, सी की बीमा। तो हम लोगों ने, सॉरी ये टी नहीं बल्कि एल है, एल, क्योंकि टी से टी तो कैंसिल हो गया, एल। अतः हम लोगों ने निकाल लिया कि ए बी सी और डी की बीमा कैसे हमने निकाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप जरूर इस पर बना लोगे, तो आप इसे नोट करें। अलग प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये एनसीईआरटी बुक्स है, भी बराबर यू प्लस ए टी। आप इस समीकरण को जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है भी बराबर यू प्लस ए टी। देखिए इसमें कह रहा है कि भी यू, भी और यू जो है वेग है, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग टी समय है, ए जो है त्वरण है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि त्वरण है कि क्या है। अब इसको ए का मान ज्ञात करना है, जब ए का मान ज्ञात करना है और बताना है कि यह कौन सी राशि है, और आप जानते हो कि ए माने क्या है, त्वरण है, और त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो देखिए सिद्ध करें और हम लोग देखेंगे क्या उतना आता है कि नहीं। तो देखिए, जो आप जानते हो कि समान राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो जो भी की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, यानी कि भी की बीमा बराबर यू की बीमा, भी की बीमा बराबर यू की बीमा। तो भी की बीमा बराबर यू की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, चाल है ना, तो एल टी माइनस वन, या बे गए तो एल टी माइनस वन। अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना है कि भी की बीमा बराबर ए टी की बीमा, चाहे यू की बीमा बराबर ए टी की बीमा। तो लिख सकते हैं कि भी की बीमा बराबर ए टी की बीमा, अतः ए की बीमा, ए की बीमा निकालेंगे कि ए की बीमा क्या होगी, तो ए की बीमा बराबर भी की बीमा और बटे में टी इसके नीचे आ जाएगा, मतलब भी बाई टी की बीमा। अब देखिए भी की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन और बटे में टी,
समय का डीमा हो जाएगा टी, और यही जब ऊपर चला जाएगा तो यही हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो ये किसकी बीमा हो गई, तो आपका ए की बीमा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि यह किस प्रकार की राशि है, तो यह आपका क्या है, त्वरण है। त्वरण है क्योंकि त्वरण का सूत्र जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप चाहेंगे तो एल लिखा है तो एल को मीटर लिख सकते हैं, और टी का माइनस टू दिया है तो सेकंड माइनस टू लिख सकते हैं, या इसी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो अगर ऐसे भी कुछ भी आपको देगा बनाने के लिए तो आप निश्चित ही बना लेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस लेसन में कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको बन पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं बनेंगे तो पुनः इस लेसन के क्वेश्चनों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज इस लेसन में इतना ही। अभी तक जो विद्यार्थी एमएसटीम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तभी लाइक करें, तभी सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो को एक बार जरूर देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि एमएस टीम एजुकेशन आपके साथ खड़ी है और नित्य प्रतिदिन आपके साथ मिल करके आपका कल सुनहरा हो। इसकी हमारी टीम जो है प्रत्येक प्रत्येक दिन अपने इस कठिन प्रयासों के द्वारा आपके भविष्य को संवारने का प्रयास कर रही है। तो आप जुड़े रहें एमएसटीम एजुकेशन के साथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।